तो भाई वेलकम एंड यूर वॉचिंग रसल अपडेट फिटर। तो भाई यहाँ पे एक रूम रेंज का बहुत ही बड़ा सक्सेस हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक मैसिव सी न्यूज़ निकल के आई है रैंडी ऑटन की तरफ से, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं भाई, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने ट्विटर इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। तो भाई बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ, है ना, हम बात करने वाले हैं विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई विंस मैकमैन पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे WWE रॉ के अंदर, मतलब कि अगर उनमें उस रॉ में अगर आपने कोई चेंजेस देखी, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें देखी, तो भाई समझ लो कि वो विंस मैकमैन ने की थी। मतलब कि ऐसा कन्फर्म बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि हाँ भाई कन्फर्म थे वहाँ पे विंस मैकमैन रॉ के बैक स्टेज में। तो उन्होंने कुछ चेंजेस की होगी या कुछ की भी नहीं होगी, ऐसे भी खबरें आ सकती हैं। लेकिन हाँ ये न्यूज़ कंफर्म है कि विंस मैकमैन कंफर्म तरीके से WWE रॉ के बैक स्टेज। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना, हम बात करने वाले हैं लोगन पॉल के बारे में। तो भाई मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोगन पॉल कन्फर्म है रॉ में वो अपना रिटर्न करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो मनी इन द बैंक के बारे में बात करें और वो मनी इन द बैंक के मैच में आ सकते हैं। तो भाई ये भी चीज़ें हुई रॉ के ऊपर, वहाँ पे क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई सबसे पहली बात, रॉ के अंदर लोगन पॉल का रिटर्न होता है और वो देखे जाते हैं कि वो लैडर के ऊपर चढ़े हुए हैं और मनी इन द बैंक जो ब्रीफ केस है उसके जस्ट ऊपर खड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें देख के भाई यहाँ पे यही पता लगता है कि यहाँ पे जो लोगन पॉल है वो इन्वॉल्व होने वाले हैं उस मैच के अंदर। वो उस मैच के अंदर आ भी सकते हैं, ब्रीफ केस जीत भी सकते हैं। सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। इसके ऊपर फुल्ली प्रिडिक्शन लाने वाला हूँ मैं वीडियो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना। पहले ये जान लेते हैं कि हुआ क्या था, ये तो मैंने आपको बता दिया था। तो हाँ भाई लोगन पॉल आ सकते हैं मनी इन द बैंक मैच में, ये खबरें थी लोगन पॉल के बारे में WWE रॉ में। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना, हम बात करने वाले हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई अगर आप लोग सेथ रॉलिंस के बहुत ही बड़े वाले फ़ैन हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि WWE रॉ मत देखना, क्योंकि वहां पे शुरुआत में जब सेथ रॉलिंस आते हैं रॉ में तो वहां पे बहुत ही बुरी तरीके से अटैक करते हैं फिन बैलर, मतलब कि इतनी बुरी तरीके से आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कि ले जा के हर जगह पर वहाँ जाके पीटते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई और बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इस अटैक के बाद सेथ रॉलिंस बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे। तो इस मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई सीरियस तो नहीं, छोटी मोटी चोटें आई हैं, जो चोटें लगभग लग जाती हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन ज्यादा सीरियस नहीं हुए हैं सेथ रॉलिंस। ये बात कंफर्म है कि वो सीरियस नहीं हुए हैं, उन्हें बस छोटी मोटी चोटें आई हैं। और जब पूरा चीज खत्म हो जाता है तो वो एक तरह से मैसेज भी भिजवाते हैं NXT के सुपरस्टार ब्रॉन ब्रेकर को। अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई सेथ रॉलिंस जो है अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं NXT के अंदर ब्रॉन ब्रेकर के सामने। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, ये वाली जो स्टोरी है ये भी सेथ रॉलिंस से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो पैट मैकेफी हैं उनके शो पे सेथ रॉलिंस जा रहे हैं कल। अगर वहाँ पे कोई भी इंटरेस्टिंग सी बात होती है, कुछ भी अलग सी बात होती है WWE से अपार्ट, कोई भी चीज़ें होती है उनके चैम्पियनशिप और उनके कुछ रिकॉर्ड्स, उनके जो चैलेंजर, इन सब के बारे में बात होती है तो मैं आपको अगली वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना, बात करने वाले हैं गुंथर के बारे में। तो भाई गुंथर से एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि आप ऐसा चाहते हो कि यहाँ पे जो वर्ल्ड टाइटल है WWE टाइटल और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उसको मर्ज कर दिया जाए। तो इसके ऊपर गुंथर ने कहा कि मैं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल ना में है। और भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, ऑलरेडी हमने बहुत ही ज़्यादा मर्जिंग टाइटल्स मैच देख लिए हैं जिसके अंदर हमें मर्ज टाइटल देखने को मिले, बहुत सारे टाइटल्स स्प्लिट होते हुए भी दिखे। तो भाई ये मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जो चैंपियनशिप है वो फिर से मर्ज हो कोई सी भी। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना, हम बात करने वाले हैं रोमन रेंज के सक्सेस के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो भाई 7 साल पहले जब मनी इन द बैंक हुआ था तो उसके किक ऑफ शो में लड़े थे यहाँ पे रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस उसोस का मैच हुआ था किक ऑफ शो के मनी इन द बैंक में। अब आज देखो भाई यहाँ पे जो रोमन रेंज एंड सोलिसी को है वो उसोस का साथ मैच हो रहा है मनी इन द बैंक के मेन इवेंट में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है और सक्सेस भी है यहाँ पे समोन फैमिली के लिए, रोमन रेंज के लिए। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना, बात करने वाले हैं रैंडी ऑटन के बारे में। तो भाई यहाँ पे रैंडी ऑटन के बारे में एक बड़ी मैसिव सा फोटो निकल के आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रैंडी ऑटन की वाइफ ने फोटो भेजी है जिसके अंदर सारे फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं और यहाँ पे रैंडी ऑटन का भी उसमें पिक्चर आप देख सकते हो। तो यहाँ से ये चीज़ पता लगता है कि हाँ इंजॉय कर रहे हैं रैंडी ऑटन, वो अपना रिटर्न कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखो भाई डॉक्टर ने तो उन्हें मना कर दिया कि अभी तुम रिटर्न नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं कि कब उनका रिटर्न होगा। जब भी रिटर्न होगा तो भाई पॉपअप देखना है कि
फैंस कैसा रिएक्शन देते हैं वो देखना है। तो भाई बढ़ते अपनी अगली स्टोरी की तरफ, है ना, हम बात करने वाले हैं ब्लड लाइन के न्यू मेंबर के बारे में। तो भाई हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, अब वो ब्लड लाइन का न्यू मेंबर हो भी कौन सकता है, वो है आर ट्रूथ। होता क्या है स्टोरी में पूरी बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे जो जिमी और जे उसो है वो अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट भेजते हैं, उसके बाद वहाँ पर एक कमेंट आता है आर ट्रूथ का, वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई तुम फैमिली हो तो तुम क्यों लड़ रहे हो, मतलब कि ये सब ठीक है लेकिन तुम क्यों लड़ रहे हो। तो ये जो कमेंट है ये मारते हैं उसो उसको। तो भाई ये जो बात है इससे ये पता लगता है कि यहाँ पे जो आर्थरूथ है वो एक भले की तरह से सोच रहे हैं, मतलब भला सोच रहे हैं रूम रेंज का। तो यहाँ से ये चीज हो सकता है कि यहाँ से ऑनरी यूज बन जाए सेथ रॉलिंस, सॉरी सेथ रॉलिंस का नहीं क्यों नाम ले रहा हूँ मैं, आर्थरूथ। तो यहाँ पे ये चीज हो सकता है कि आर्थरूथ हो सकता है नेक्स्ट ऑनरी यूज। भाई ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, ये कन्फर्म नहीं है।